वेलकम बैक टू द चैनल आज हम एक और एम कॉलेज की बात करेंगे जिसकी सारी डिटेल्स यानी कि उसके क्या क्या प्रोग्राम्स है प्लेसमेंट का क्या डेटा है फी कितनी है एलिजिबिलिटी क्या है और पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या है सब कुछ आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगा दिस स्कूल इज द दॉल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेनी ऑफ यू वुड ऑफ पर्टिकुलरली फॉर द फील्ड ऑफ एच आर लेकिन नॉट ऑल ऑफ यू वुड नो दैट सॉइल ऑफर्स थ्री काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स तो इस वीडियो में हम उनके ये तीनों प्रोग्राम्स की बात करेंगे आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दैट दिस वीडियो इज बी मेड इन अ कोलेबोरेन विद सॉइल लेकिन इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन

इन तीन में से जो दो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम हैं पीजीपीएम एंड पीजीपीएम एचआर ये दोनों वन ईयर प्रोग्राम्स हैं एंड उन लोगों पे ज्यादा फोकस करते हैं जिनके पास थोड़ा वर्क एक्स हो दर्ड प्रोग्राम इज कॉल्ड पीजीडीएम डी एम विच स्टैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अब हम इन तीनों प्रोग्राम्स के करिकुलम से इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं वन ईयर पीजीपीएम में टोटल तीन सेमेस्टर्स होंगे जिसके अंदर आपको डाइवर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जैसे कि फाइनेंस मार्केटिंग एनालिटिक्स स्ट्रैटेजी इवन डिजाइन थिंकिंग और काफी सारे भी होंगे जिसके कारण होगी वन ईयर होते हैं और साथ साथ आपको कुछ एच आर सेंट्रिक सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे टू ईयर पीजी डी एम के अंदर आपके टोटल सिक्स सेमेस्टर्स होंगे जिसमें आपको कोर मैनेजमेंट सब्जेक्ट तो पढ़ाए ही जाएंगे उसके अलावा डिजाइन थिंकिंग और लिबरल आर्ट्स की काफी सारी एक्टिविटीज होंगी इन ईच टर्म इसी के साथ साथ आपको चार स्पेशलाइजेशन में से एक चुननी होगी ये स्पेशलाइजेशन होंगी मार्केटिंग एनालिटिक्स एच आर और फाइनेंस नाउ दैट यू नो की सॉइल के कौन से तीन मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, लेटेस्ट डिस्कस अबाउट देयर बैच डिटेल्स तो इन तीनों कोर्सेज में डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं पीजीपीएम के लिए 120 सीट्स अवेलेबल है पीजीपीएम एच के लिए 60 एंड पीजीडीएम में 300 सीट्स हैं। थ्री के तीनों प्रोग्राम्स की टू ईयर पीजीडीएम प्रोग्राम के अंदर काफी सारे फ्रेशर है इनफैक्ट सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ द बैच वॉज दैट ऑफ फ्रेशर्स ऐसे ही वन ईयर पीजीपीएम एच और टू ईयर पीजी दोनों ही केस में फीमेल्स और नॉन इंजीनियर्स की रेशो काफी अच्छी है विच मीन्स कि अकेडमिकली एंड जेंडर डाइवर्सिटी वाइज ये दोनों बैच बहुत अच्छे हैं एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर नॉन इंजीनियरिंग फोक्स अब मैं आपको इन तीनों प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के एवरेज टेंथ मार्क्स एवरेज ट्वेल्थ मार्क्स और एवरेज ग्रेजुएशन के मार्क्स शेयर कर देती हूँ जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट दी बैच एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू जज योर चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू सॉइल अगर आपको सॉइल के स्टूडेंट्स की प्रोफाइल का थोड़ा और बेटर रेफरेंस चाहिए हो तो सॉइल ने कुछ सैम्पल रेज्यूमे शेयर किए हैं उनके स्टूडेंट्स के आई हैव हिडन दी आईडेंटिफाइबल डिटेल्स उसके अलावा आप पूरा रेज्यूमे चेक कर सकते हो आई हैव लिंक इन दिस्क्रिप्शन नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच इज प्लेस स्टेटिस्टिक्स बिफोर आई शेयर दोज नंबर लेट मी शेयर वॉट आई ऑलवेज डू की किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट डेटा को अच्छे से समझने के लिए यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू दियर करंट स्टूडेंट और एलेमेना

वाइज जो एवरेज सी टी सी है वो इस टेबल में गिवन एन द टॉप कंपनीज दैट रिक्रूटेड ऑन सॉइल इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंक्लूडेड एक्सेंचर

ट जी मैट एन मैट या जैट में से कोई भी एग्जामी एम प्रोग्राम यू मस्ट टेक एनी ऑफ दीज एग्जाम इंक्लूडिंग कैट जैट जी मैट एन मैट और मैट इनमें से कोई भी एग्जाम लेना आपके लिए जरूरी है इसके अलावा आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए टू ईयर पीजीडीएम के लिए कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर आपके पास पांच साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते मैं आपकी स्क्रीन पे प्रीवियस ईयर भी शेयर कर रही हूँ सॉइल की सो देट यू कैन गेट एन आइडिया की डिफरेंट एग्जाम्स में कितना परसेंटाइल या मार्क्स स्कोर करने पे आपको सॉइल में एडमिशन मिल सकती है नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एडमिशन प्रोसेस सो एडमिशन प्रोसेस फॉर ऑल द प्रोग्राम्स इज फेयरली सिमिलर स्टेप वन में आपको

अबाउट द सॉइल इंस्टीट्यूट अगर आपकी कुछ क्वेरीज अभी भी रह गई हो इन दैट केस यू कैन कॉल ऑन देल्पलाइन नंबर जो उनके ब्रोशर्स के लास्ट पेज पे गिवन है सो आई विल ऑल्सो लिंक दीज ब्रोशर्स इन द डिस्क्रिप्शन ट्रूली होपिंग दैट दिस वीडियो हेल्प यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्का वेरी बेस्ट